सर ऐसा है, मेरा नाम बलबीर सिंह है और डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। वहीं का एक दबंग टाइप का बंदा है गौरव अरोड़ा, उसके बहुत ख़तरनाक पूरा बहुत बड़ा गैंग है इसके डिफेंस कॉलोनी में। और आपका गोटिया पे तरफ जो है कई जगह इसके BDA ने सील करे हुए प्लाट, और उसको सील वगैरह तोड़ के जो है इन्हें अवैध निर्माण को तो करके और जो है आगे लोगों को भवन बना के रजिस्टर वो आगे बेच लोगों को बेच दिए हैं। उसी स्तर में मैं कहना चाहता हूँ कि इसने हमारी भी एक ज़मीन पे जो है कब्जा करा है, फर्जी दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। पहले हमारे से घाटा संख्या 200 के कागज़ लिखवाए इसने, फिर उसी ज़मीन को जो है ये 201-200 का कह रहा है, फिर उसी ज़मीन को ये 184 और 189 से कर रहा है। तीन तीन चार चार मतलब कि चार चार हज़ार लोगों को इसने ज़मीनें बेची हैं। ये खुद कन्फ्यूज है कि भैया मैंने 200 घाटा संख्या 200 खरीदी है या 201 या 202 खरीदी है या 184 189 खरीदी है। तीनों का ही अलग अलग मालिक हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने जो है इस संदर्भ में DM साहब से शिकायत करी, तो DM साहब ने जो है मैंने इससे पहले मैं हाई कोर्ट में गया था अवैध निर्माण रोकने के लिए, तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप जो है पहले DM साहब से मिलें। तो DM साहब के पास मैं गया शिकायती पत्र प्रार्थना पत्र लेके, तो DM साहब ने कहा कि बलबीर जी आपके पास कागज़ दिखाइए। मैंने सारे दस्तावेज दिखाए, सब कुछ समझाया, तो DM साहब ने मेरी दस्तावेज चेक करने के बाद मुझसे बोले ठीक है बलबीर जी, हम उसके ऊपर लिख देते हैं कि ये मामला सिविल न्यायालय में है और कोई अवैध निर्माण ना हो। ये भूमाफिया तब से जो है ना तो DM साहब का मान रहा है, ना सिविल न्यायालय में कोई कार्रवाई कर रहा मतलब पहुंचता है। सम्मन वगैरह तमीर हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई नहीं पहुंच रहा। उसके बाद मैंने CGM में डाला, वहां पे भी नहीं ये पहुंच रहा। उसके बाद मैंने सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ डाला, वहां पे भी नहीं पहुंच रहा। इसके बाद जो है मैंने BDA में शिकायत करी, BDO वालों ने दो दफ़ा मतलब कि अवैध कब्जे के लिए सील करा, और दो उसके बाद जो है दो बार ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अब ये तीसरे प्लाट में ये बनाया जा रहा है, ये बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब इतने विवाद होने के बावजूद ये आदमी नहीं सुधर रहा है, इतने सैकड़ों मुकदमे इसके ऊपर हैं, आए दिन मेरे को धमकी देता है, तेरे को रास्ते में एक्सीडेंट करवा दूंगा, तेरा बरेली से निकलवा दूंगा, तो तेरे को सबक सिखा के छोड़ेंगे, ये है वो है। तो मैं चाहता हूँ ये किसी दिन कोई मेरे साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई।